जय जय श्री राधे कृष्ण मित्रों, कैसे हो आप सभी। परमपिता परमेश्वर जी से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी अपने अपने घरों में कुशल मंगल से होके। आज की ये वीडियो बहुत खास है। आज गुरु पुष्य योग बन रहा है रात को 7:49 में। ये योग अपने आप में कितना महत्वपूर्ण है हम सभी जानते हैं। देव गुरु बृहस्पति जी का ये गुरु पुष्य योग है। नक्षत्र की मैं बात करूँ, अभी पुनर्वसु नक्षत्र चल रहे हैं और रात को 7:49 से पुष्य नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। और आज सारा दिन और सारी रात सर्वार्थ सिद्धि कारक योग है। और रात्रि के समय में जब पुष्य नक्षत्र का आरंभ हो जाएगा तब अमृत सिद्धि योग भी हो जाएगा। और ये योग में, ये वैसे टाइम तो बहुत थोड़ा होगा हमारे पास ये रेमेडी करने का, लेकिन ये जो टाइम है ये बहुत अच्छा है। गुरु पुष्य योग में लक्ष्मी माँ को स्थायी रूप से हम कैसे अपने पास में प्रेम से रखें, इसका आज मैं एक उपाय बताऊँगी। बहुत सरल उपाय है, ज़्यादा पैसे भी खर्च नहीं होंगे और माँ लक्ष्मी की कृपा कम से कम एक साल तक तो हम पर पूरी तरीके से रहेगी। आपने क्या करना है, 1.25 मीटर पीले कलर का कपड़ा आप ले आइएगा। आप कोई कॉटन का कपड़ा ले आए, कोई सिल्क का कपड़ा लेकर आए, यह आपकी अपनी श्रद्धा है। साथ में आपने अक्षत ले आने हैं जो कि साबुत चावल होते हैं। उन चावलों को आपने हल्दी में मिक्स कर देना है। साथ में आपने थोड़ी सी सुपारी रखनी है। एक आपने ताजा नारियल, जिसे कि साबुत नारियल कहते हैं, हमें वो चाहिए। एक या दो हल्दी की गांठ चाहिए हमें, कच्ची हल्दी भी आप ले सकते हैं। 5 हमें चाहिए इलायची। थोड़ा सा हमें केसर चाहिए, चाहे एक चुटकी ही सही हो, क्यों ना हो, थोड़ा सा केसर भी साथ में चाहिए। और 1 रुपये का सिक्का। आपने शाम को 8 बजे, जब ये पुष्य योग आरंभ हो जाएगा, अपने अपने कामों से अपनी वृद्ध होकर 8 बजे, 8:30 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे से पहले तक आप ये कर सकते हो। आपने क्या करना है, 1.25 मीटर कपड़ा बिछा लेना है अपनी पूजा वाली जगह पर। उसके ऊपर आपने चावल बिखेर देने हैं। आपने फिर रखना है नारियल। नारियल के ऊपर रखनी है आपने एक सुपारी और मन में भावना करनी है कि ये माँ लक्ष्मी को हम यहाँ पर स्थाई कर रहे हैं। साथ में अपने अपने 5, जो मैंने जैसे कि कहा इलायची, वो रख देनी है। और आपने थोड़ी सी केसर अपनी चुटकी उस पर डाल देनी है। साथ में आपने हल्दी की गांठ रख लेनी है। 1 का सिक्का रख लेना है। और ये जो आपके कपड़ा है इसे चारों तरफ से गांठ बांध देनी है आपने। बैठ करके अगर श्री सूक्त का पाठ आपसे हो सके तो आपने ये पाठ बोलना है, मतलब कि माँ को सुनाना है बहुत प्रेम से, क्योंकि माँ लक्ष्मी जी को श्री सूक्त का पाठ बहुत पसंद है। श्रीमद् भागवत गीता का पाठ भी आप माँ भगवती को सुना सकते हैं, चाहे 1 अध्याय हो, 7 अध्याय हो, 11 हो, जो भी हो। साथ में आप अगर श्रवण आप कर नहीं सकते तो आप ऑनलाइन श्रवण भी कर सकते हो। श्रीमद् भागवत गीता की मेरी वीडियोस हैं बनी हुई, आप उसमें से कोई भी ऑनलाइन मेरी वीडियोस में से आप पाठ उठा करके सुन सकते हो। और श्री सूक्त का पाठ भी आप ऑनलाइन सुन सकते हो। आपने माँ भगवती से यही प्रार्थना करनी है कि हे माँ, आपको हम चाहते हैं कि आप हमेशा हमारे घर में, हमारे परिवार में स्थायी रूप से रहें, क्योंकि माँ लक्ष्मी चंचला है, ये कभी एक जगह टिकती नहीं है। लेकिन आज जैसे कि योग बन रहा है गुरु पुष्य, क्योंकि ये विष्णु जी का योग होता है, विष्णु स्वरूप योग होता है, तो इस योग में जब हम ये वाला प्रयोग करते हैं तो जब भी माँ विष्णु जी के साथ में आती हैं तो वो ठहर जाती हैं, क्योंकि ऑब्वियसली पत्नी को अपने पति से बहुत ज़्यादा प्रेम होता है, वो अपने पति को छोड़कर कहीं नहीं जाते। तो इसी तरीके से हमने यह प्रयोग करना है। वैसे तो गुरु पुष्य जो नक्षत्र होता है, इस योग में हम क्या करते हैं, धन के स्वरूप को संचित धन रखने के लिए हम गोल्ड वगैरह परचेज करते हैं, लेकिन अभी हम इतना नहीं कर सकते, रात का समय है, तो हमने ये रेमेडी करनी है, धन अपने आप आ जाएगा। आपने क्या करना है, ये जो करने के बाद आपने अपनी पूजा वाली स्थान पर वो पोटली रख देनी है, या अपने ऑफिस में जहाँ बिजनेस करते हो वहाँ, या अपने घर के अलमीरा में, और रोज़ धूप दीप बत्ती आपने दिखानी है। और ये रेमेडी करते समय भी माँ को गुड़ का, मिश्री का, या किसी भी मीठी वस्तु का भोग अवश्य लगाइएगा, क्योंकि माँ अगर आपके पास आएंगी तो आपको उन्हें पानी और भोग अवश्य देना होगा, और उनके मनपसंद के कोई भी पुष्प अगर आप रख सकते हो तो ठीक है। इत्र अगर आपके घर में है तो पोटली बांधने के बाद ऊपर में इत्र भी आप छिड़क दीजिएगा, ताकि माँ और ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाए, मतलब कि प्रसन्न हो जाए। ओके फ्रेंड्स, ये जो रेमेडी है आज आप कर लीजिए,
आज 31 दिसंबर है, ये साल का आखिरी दिन है। तो जाते जाते हमारा ये साल जैसे भी गया, हमें बहुत सारे एक्सपीरियंस दे करके गया है। और धन की कमी तो सभी की लाइफ में होती है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, अपने कर्म के द्वारा हम अपने जीवन में धन का आगमन कर सकते हैं। माँ भगवती आप सभी की रक्षा करें, आप सभी के साथ हो, यही मैं प्रार्थना करती हूँ। और माँ भगवती का आशीर्वाद हम सभी को प्राप्त होता रहे। ओके फ्रेंड, जय जय श्री राधे कृष्णा। अपना ख्याल रखिएगा और खुशी से रहिएगा।